पटाखा फैक्ट्री हादसे के बावजूद भी निरीक्षण में सब कुछ ठीक था। जनपद शामली में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और उपजिलाधिकारी शामली ने क्षेत्र में मौजूद पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक ठाक मिला, बावजूद इसके कई बार पटाखा विस्फोट में हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शामली से पंकज मालिक की रिपोर्ट। पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया, क्या है पूरा मामला? ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो हमारे विस्फोटक के लाइसेंसधारी हैं, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज का लाइसेंस है और जो कि आतिशबाजी और फलझड़ी वगैरह बनाते हैं, उनके गोदामों की चेकिंग का एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत इसकी चेकिंग की जा रही है। सर, क्या मिला अभियान चेकिंग में? अभी तक तो इनके पास लाइसेंस वगैरह रिन्यूड हैं जो पूरे मिले हैं, और बाकी अन्य चीज़ें वो हम अपनी रिपोर्ट में डिटेल में जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे। अच्छा, क्षेत्र में टोटल कितने लाइसेंस हैं? ये अभी तक करीब 15 लाइसेंसों की लिस्ट है मेरे पास, उसमें से हम करीब 14 चेक कर चुके हैं, एक आधा और बचा है। सर, अक्सर फैक्ट्री चेक की जाती है लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती? हम अपनी रिपोर्ट में अपनी कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को संस्तुत करेंगे।